पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की तरफ से एक दिवसीय योग शिविर कार्यशाला मध्य विद्यालय सिंघही आरा भोजपुर बिहार के प्रांगण में चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो देश के भविष्य हैं, अपने जीवन को योग प्राणायाम से स्वस्थ रखेंगे और स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज, स्वस्थ व्यक्तित्व को और स्वस्थ समाज के साथ साथ स्वस्थ राष्ट्र और विश्व की परिकल्पना हम कर सकते हैं। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है उसकी विधि को समझेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, धीरे धीरे प्राण वायु को नाक से अंदर ले जाएंगे और धीरे धीरे फिर प्राण वायु को बाहर निकालेंगे। तो आइए 5 सेकंड तक सांस भरना है और 5 सेकंड तक सांस को छोड़ना है। और जब सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो हमारा ध्यान भी सांसों पर ही टिका हुआ रहेगा। तो आइए मिलकर अभ्यास करते हैं। आंख बंद कर लीजिए, धीरे धीरे प्राण वायु को फेफड़े में, डायफ्राम में ले जाइए। जब आप सांस भरेंगे तो आपका डायफ्राम सीना फैलता हुआ महसूस हो रहा है, ऊपर हाथ मत रखो खाली। जब सांसों को छोड़ेंगे तो आपका सीना, आपका डायफ्राम फेफड़ा सिकुड़ता हुआ महसूस हो रहा है। सांसों को भरते हुए सीने को फैलाइए और सांसों को छोड़ते हुए डायफ्राम को सिकोड़िए। जब हम ये लगातार अभ्यास करते हैं 5 मिनट तक तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। धीरे धीरे सांस को भरते रहिए, छोड़ते रहिए, पूरा भरिए लेकिन धीरे धीरे भरिए। 1 मिनट में शरीर का पूरा रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़े में, लंग्स में, हृदय में जाता है और ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध होकर के वह रक्त पूरे शरीर को फिर प्राप्त होता है। 5 मिनट जब हम अभ्यास करते हैं सांसों का, भस्त्रिका प्राणायाम का, तो हमारे शरीर के सारे रक्त शुद्ध हो जाते हैं। जितने नस नाड़ियां हैं, जितनी कोशिकाएं हैं, वो सब धीरे धीरे सांस भरिए। सांसों पर ध्यान, मन में किसी प्रकार का कोई विचार विकार नहीं, शरीर में कोई खिंचाव तनाव नहीं। बार बार उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप कितने भोले और दयालु हो कि हम लाख गलती करते हैं फिर भी आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी है। और जब कृपा बन रही है तभी हम सांस जब छोड़ते हैं तो अंदर ले पाते हैं, नहीं तो एक बार जब सांस निकला और रुक गया तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जीवन में यदि हमारा सबसे कोई प्रेमी और सबसे प्यार करने वाला है और सबसे हमारा कोई नजदीकी कोई है तो वह प्राण है। तो प्राणों की प्रार्थना, प्राणों की आराधना निष्ठा पूर्वक करते हुए हम अपने मन को प्राण पर टिका करके लगातार 5 मिनट जब अभ्यास करेंगे तो आपको कभी भी दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, चर्म रोग, सोराइटिस, सफेद दाग, थायराइड, साइनस की बीमारी हो, आप दमे की बीमारी, टीबी की बीमारी, माइग्रेन, रक्त संबंधी होने वाले किसी प्रकार की बीमारी, लकवा से लेकर के ब्रेन हेमरेज और हार्ट ब्लॉकेज यानी हार्ट अटैक जैसे भयंकर बीमारी, कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों को भी हम भस्त्रिका प्राणायाम और लगातार 5 सेकंड तक सांस को भरेंगे, छोड़ेंगे और 5 मिनट तक जब इसका अभ्यास करते रहेंगे तो हमें इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो आइए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और महसूस करेंगे कि हम जब इस अभ्यास को कर रहे थे तो हमारा सीना पहले से ज्यादा फैल रहा था। लग रहा था आपको? एक बार हमारे साथ 10 बार ले लीजिए पूरा जोर जोर जो से। भरिए, जो जितना सांस भरेगा उसका प्राण मजबूत होगा कि कमजोर होगा, और जिसका प्राण मजबूत होगा वो ज्यादा दिन तक जिएगा कि कम दिन तक जिएगा।